यदि चाह जाओ सा वो गली मर जाओ सड़ जाओ डूब जाओ, मैं उस गली को नहीं बनाऊंगा। बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर एनसीआर के लोग। देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सिकंदराबाद। एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र का सिद्धिक नगर हाईवे से सटा हुआ है और दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हालात किस तरह है ये आप खुद ही देख लें। सिकंदराबाद की इस कॉलोनी के लोग अपने ही शौच का पानी अपने हाथों से फेंक कर आते हैं। कहा जाता है कि आबादी कॉलोनी में तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन आज तक इस कॉलोनी में कोई पानी का निकास नहीं है और ना ही कूड़ा कचरे के लिए पालिका की टीम वहां पहुंचती है। तमाम कॉलोनी वासियों का कहना है कि मजबूरन बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। गरीबी ने पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ी हुई है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार और देश की सरकार स्वच्छ भारत बनाने की मुहिम में दिन रात लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीआर के सिकंदराबाद की कुछ यूं तस्वीरें हैं। क्या अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अब सवाल यही बनता है कि आखिर कब तक यह गरीब बेसहारा लोग इस तरह मुफलिसी और गंदगी के बीच जीने को मजबूर रहेंगे। मैं नाजमा जी, क्या समस्या है, क्या कहना चाहती हैं? समस्या ये है कि हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे खलों में गिर रहे हैं। आज चौथा दिन है जब हमारे लड़का छोटा गिर गया। अच्छा, बारिश का पानी ही भरा जा रहा, अंदर भी घर में घुसते हैं पानी। तभी बारिश का पानी तो हमें नहीं लग रहा है। बारिश पड़ती है तो पानी घर में को अंदर जाता है। अच्छा। मकान नीचे पड़ रहे हैं, गड्ढे खुद रहे हैं। ये गड्ढे आप लोगों ने क्यों खोदे हुए हैं? बाथरूम के लिए या किस या पानी की निकासी के लिए? मतलब पानी की नहीं है, जब पानी कहाँ फेंक करे गड्ढे में इकट्ठा कर ले, फिर उसे फेंके हैं बाल्टियों से, कभी किसी के प्लॉट में कभी किसी के प्लॉट में। प्लॉट वाले मना करते हैं कि हमारी हिम्मत है तो कहाँ ले जाऊँ पानी को, इंगे छिड़कते हैं पानी को। शिकायत वगैरह करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता है? शिकायत को हम नगर पालिका में भी गए हैं, हम IDM कोर्ट भी गए हैं, वहाँ से कोई हमें समस्या नहीं। हम जो है ये मेंबर साहब के पास भी गए, मेंबर साहब ने यूँ कह दी चाह जाओ सा वो गली मर जाओ सड़ जाओ डूब जाओ, मैं उस गली को नहीं बनाऊंगा। क्यों आपने नहीं पूछा? हमने पूछा कि क्यों नहीं बनाते, कि देखो जी मुझे वो गली बनानी नहीं है, आगे कोई बात नहीं बताई उन्होंने। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, आइडिया है कुछ? आइडिया कम से कम है, कम आती हूँ घर तो होंगे। क्या नाम है आपका? शमा परवीन जी। क्या नाम है कॉलोनी का? कितने साल पहले कॉलोनी बनी? सब्दीक नगर काला पीर। अच्छा, देख रहा होगी 15-16 साल बनी थी। अच्छा। 100-200 घर इस गली में ही है। देख रहे हैं रोड भी कच्चे हैं, बड़ी गंदगी है जी। देखो आप खले खुद रहे हैं दरवाजे के आगे, खम्भे भी नहीं है, खरंजे भी नहीं है, टैक्स भी भर रहे हैं हम 3 साल से। अच्छा। SDM कॉलोनी भी गए थे हम, चेयरमैन के पास भी गए हैं, मेंबर के पास भी गए हैं, कहीं से कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। अच्छा, क्या कहते हैं वो अधिकारी लोग? जब हम SDM गए थे तो बोला कि हम भेज रहे हैं अधिकारियों को, तो वे आए थे, फिर वो आगे क्या कार्रवाई वो ना मालूम है। अच्छा, पानी वाली वजह से भरा हुआ है, कैसे क्या करते हैं जी? बाल्टी से खले सरिताते हैं, फेंक कर आते हैं दूर जाकर, बहुत दूर बच्चे भी गिर जाते हैं छोटे छोटे इसमें। ये शौच का पानी भी है जी, और ऐसी पानी है जब बारिश पड़ा तो बारिश का पानी फिर गली